प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। सिख समाज की धार्मिक नुमाइंदा केंद्रीय संस्था श्री गुरु सिंह सभा माइसान के तत्वाधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जिसमें कि आगरा ही नहीं आगरा के आसपास के जिलों की संगत भाग लेगी। और ये नगर कीर्तन में जो धार्मिक नगर कीर्तन है, जिसमें कि जहाँ कीर्तन दरबार होगा अपने आप में, जगह जगह की संगत भाग लेगी, वहीं गुरुद्वारा गुरु के ताल का भाई रंजीत सिंह अखाड़ा अपने आप में एक दिलकश नजारा प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा नगर कीर्तन के लिए अलग अलग जो व्यवस्था दे रखी है वो पूरी हो चुकी है, जिसके लिए सब प्रशासन का धन्यवाद। और जो थोड़ी बहुत व्यवस्था है वो और पूरी हो जाएंगी। मैं चाहूंगा कि आगरा के समस्त नागरिक आगे इसमें भाग लें, क्योंकि भगवान राम का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहब में काफी बार हुआ है और 5 तारीख का जो है राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो 21 तारीख को उस प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए इस नगर कीर्तन में समस्त आगरा वासी इसमें भाग लें। इस बार जो खास जो इस बार है, जैसे हमारे प्रधान साहब ने बताया, क्योंकि सिख समाज ने शुरू पुरातन टाइम से ही बहुत अपने योगदान दिया है, शहादत दी है, जिसमें भाई मतीदास, भाई सतीदास और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो हम ये फतेह बुलाते हैं ये भी गुरु गोविंद सिंह जी की देन। जब हम आपस में मिलते हैं तो वाहेगुरु हमारे मुख से भी निकले और जिसको हम बोलते हैं उनके मुख से भी निकले। गुरु महाराज ने हमें, गुरु गोविंद सिंह जी ने और सभी गुरु साहिबान ने हमें अमृतमयी नाम वाणी से जोड़ा। और गुरु गोविंद सिंह जी का ये उपदेश है समूह मानवता को कि मानुष की जात सब है एक के पहचान को, कोई किसी में भेद नहीं है, सब एक हाड़ मास के बने हैं, इस करके किसी में कोई भेद नहीं है, परमेश्वर की जोत सब में बसती है। ये हमें उन्होंने संत का दर्जा दिया और साथ ही जुल्म के आगे झुकना नहीं है, चाहे इसके लिए प्राण ही क्यों ना निकल जाए। इसके लिए गुरुजी ने हमें उपदेश दिया, देहे शिवाबर मोहे है शुभ कर्मन ते कब हो ना डर। ये मेरे प्रभु, शुभ कर्म करते समय मुझे कभी भय ना लगे, बेशक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। तो जुल्म के खिलाफ झुकना नहीं है, जुल्म को खत्म करना है और शुभ गुणों से जुड़ के रहना है। इसी करके हमें ये पदवी दी है संत सिपाही की। तो वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगमन दिन की खुशी में विशाल जुलूस, जिसमें आपको सर्वधर्म की झांकी देखने को मिलेगी। आप देखेंगे वहां जगह जगह जब मुस्लिम समाज भी होता है, हिंदू समाज भी होता है, और वहां गुरु की जब वाणी गूंजती है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, तो ऐसा नजारा बनता है कि आपस में जो प्यार की हमें एक मिसाल मिलती है गुरबाणी में से। तो वो पावन जुलूस जिसमें सभी शहीदों की झांकियां भी होंगी और सारी संतें गुरु का जस गायन करते करते चलेंगी और सामूहिक सर्व सांझी वालता की वाणी का गुणगान होगा, जिससे हम सभी जुड़ेंगे और एक सच का और एक मानवता का पैगाम देते हुए ये सारी संगत नगर कीर्तन में चलेगी। और एक सच का, और इसके अलावा आगरा के आसपास जितनी छोटे छोटे जगह हैं, जैसे फिरोजाबाद है, मथुरा है, शिकोहाबाद है, धौलपुर है, इधर से भी काफी संतें यहाँ पर आएंगी और उसमें हिस्सा लेंगी। और ये आगरा का नगर कीर्तन अपने आप में जाना जाता है, एक बहुत ही विशाल नगर कीर्तन होता है, तो इसमें सभी संगत मिलके एक सच्चे नाम से जुड़ के और एक सर्व सांझी वार्ता का पैगाम देते हुए ये नगर कीर्तन निकलेगा कि हे पुर्जा पुर्जा खटपटे हरेज कभू ने चाड़े के तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहेब कमाल जिला दा प्रकाश पर्व मना के हटे हैं, उन्हीं की याद में ये नगर कीर्तन हर साल की भांति इस साल भी 21 तारीख को निकाल रहे हैं, ये रविवार को। ये नगर कीर्तन सुबह 11:30 बजे से गुरुद्वारा माइथन से चल के घटिया से होते हुए हिंकी मंडी फुआरा, हिंकी मंडी मंटोला, SBI चौराहे से होते हुए बालूगंज समापन होगा गुरुद्वारा बालूगंज साहब, जहाँ पे नगर कीर्तन का भव्य स्वागत होगा। इस नगर कीर्तन में मुख्य रूप से गुरु ग्रंथ साहब जी की सरपरस्ती और 5 प्यारों की अगुवाई के नीचे निकलता है।
और विशेष तौर पे ये नगर कीर्तन में रंजीत अखाड़ा गुरुद्वारा गुरु का ताल की मुख्य शोभा बैग पाइपर बैंड और अन्य कीर्तनी जत्थे विभिन्न गुरुद्वारों के आए हुए व कीर्तन करते हुए निकलते हैं। इस नगर कीर्तन में कोई नारेबाजी नहीं, सिर्फ गुरु के गुण गाए जाते हैं और शहीदों के जो है शहीद जितने हमारे शहीद हुए लगभग उनके काफी कुछ झांकियां हैं, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा कि इस धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कितनी कुर्बानी दी, अपना पूरा वंश शहीद कर दिया और उन शहीदों को उनके साथ भी कई शहीद थे जिनकी हमने जो है झांकियां के रूप में उनकी बनाई है, वह भी नजारा आपको देखने को मिलेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।